होने वाली महासभा में कांग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक ने एक विषय लिया कि अली अकबर के पाठी मांगे, यानी पीछे की जानिब उसने केबिन बना के देने का विषय पास किया जाए, जो कि पूरी तरह इलीगल है। सबसे पहले तो जो पर्पज़ के लिए जो ज़मीन रिजर्व की गई है उसका उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और जब हम यहाँ आए तो हम हैरान रह गए कि यहाँ की इंचार्ज सायका मैडम ने ये कहा कि यार इस हम लोगों के पास कमरे नहीं हैं, लेब चलाने के लिए हमारे पास कमरे नहीं होने की वजह से हम बाहर बैठाते हैं। इस तरह की कई शिकायत उनकी तरफ से की गई और ये कहा गया कि पीछे की जानिब हमने डिमांड ऑलरेडी किया हुआ है कि कॉरपोरेशन 7 कमरे बना के दे, जो कि फाइल चल रही है। और हमारा खुद का भी यही मानना है कि ये जगह अली अकबर हॉस्पिटल यहाँ बना है, पीछे की जगह जो है वो रिजर्वेशन की गई है। अगर अली अकबर अस्पताल की अगर बात की जाए तो इसके करीब करीब बहुत सारी बस्तियां हैं, आसपास के लोग इस अस्पताल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। माँ बहनों के लिए भी यह अस्पताल काफ़ी अच्छा साबित होने लगा है। नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ यहाँ पर अब सीज़र भी होने लगा है। अक्सर यहाँ पर भीड़ नज़र आती है, लेकिन अस्पताल की हालत दिन ब दिन ख़राब होती नज़र आ रही है। मालेगांव महानगर पालिका की अब एक जिम्मेदारी बनती है कि इस अस्पताल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करे, और ज़्यादा डेवलप इस अस्पताल को करना चाहिए। ऐसा कुछ भी काम मालेगांव महानगर पालिका ने नहीं करना चाहिए जिस काम से मालेगांव शहर के आम जनता को परेशानी हो। आरिफ हुसैन पापा ने कल कहा कि वो किसी पेशेंट को लेकर यहाँ पर आए डायरिया वार्ड में, तो यहाँ पे शिकायत की गई कि अली अकबर का जो स्लेप है उसके ऊपर से पानी नीचे रास्ता है, और इतना पानी हो गया था 2-3 दिन पहले कि लोगों को चलने की दुश्वारी थी कमरे के अंदर, तो उसी को देखने के लिए आए थे। और आप देख भी सकते हैं कि इसका स्लेप जो है कितना खस्ता हाल और पुराना है। और उस पर सबसे बड़ा मसला कि कल होने वाली महासभा में कांग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक ने एक विषय लिया कि अली अकबर के पाठी मांगे, यानी पीछे की जानिब उसने केबिन बना के देने का विषय पास किया जाए, जो कि पूरी तरह इलीगल है। सबसे पहले तो जो पर्पज़ के लिए जो ज़मीन रिजर्व की गई है उसका उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और जब हम यहाँ आए तो हम हैरान रह गए कि यहाँ की इंचार्ज सायका मैडम ने ये कहा कि यार इस हम लोगों के पास कमरे नहीं हैं, लेब चलाने के लिए हमारे पास कमरे नहीं होने की वजह से हम बाहर बैठाते हैं। इस तरह की कई शिकायत उनकी तरफ से की गई और ये कहा गया कि पीछे की जानिब हमने डिमांड ऑलरेडी किया हुआ है कि कॉरपोरेशन 7 कमरे बना के दे, जो कि फाइल चल रही है। और हमारा खुद का भी यही मानना है कि ये जगह अली अकबर हॉस्पिटल यहाँ बना है, पीछे की जगह जो है वो रिजर्वेशन की गई है अगर हॉस्पिटल के लिए। आज कोविड के ताल्लुक में मालेगांव शहर में हॉस्पिटल की कितनी मुश्किलात खड़ी हुई है सारा शहर जानता है। ऐसे हालात में हॉस्पिटल को और अच्छा डेवलप करना चाहिए। बरसर इख्तियार का काम ये है कि जितने अच्छे हॉस्पिटल बनाए जा सके, अगर कुछ जगह है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करके वहाँ कमरे बढ़ा दिए जाएं, और इसकी जो खस्ता हाली है वो दूर की जाए। वो छोड़कर भ्रष्टाचार करना, बदउनवानी करना, यही कांग्रेस पार्टी और मेयर का हमेशा से इस शहर में काम रहा है। ये वाहिद मालेगांव कॉरपोरेशन है
जिसके 56 ठहराव शेख रशीद साहब के टाइम बुलंद इकबाल ने इतराज़ किए थे, यही सारे केबिन के 56 ठहराव सरकार के पास विखंडित करने के लिए गए जो कि निलंबित हो गए। आज तक मेरी मालूमात में महाराष्ट्र में किसी एक कारपोरेशन में किसी एक मेयर के वक्त में 56 ठहराव विखंडित के लिए नहीं गए। यानी कायदे कानून को एकदम सिरे से ही ये लोग किनारे रख देते हैं। अब मंत्रालय में या ऊपर ऑफिसर भी तो ये सोचते होंगे कि यार किस तरह ये लोग इलीगल काम करते हैं। और वापस अभी तायरा मैडम ने वही काम फिर शुरू की केबिन बनाने का, तो मैंने उस पर कमिश्नर को एतराज़ दाखिल किया, नगर सचिव को एतराज़ दाखिल किया कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो महासभा है मैं उसमें भी बोलूँगा, मगर अगर म्यूट कर दिया गया या मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया इसलिए मैं पहले से ही वो एतराज़ दाखिल कर दिया हूँ। और यहाँ आने का मकसद भी ये था कि हॉस्पिटल की जो पोजीशन है वो देखी जाए और आवाम के सामने आपके चैनल के द्वारा वो सही पोजीशन शहर में जाए। और हमारा यही डिमांड है कि रिज़र्व जो जगह है उसको हॉस्पिटल के लिए रिज़र्व रखा।